बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट लावा ब्राउनी। इंग्रेडिएंट आप देख लीजिए। लावा ब्राउनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने हाफ कप दही लिया है, 200 ml मिल्क लिया हुआ है, 250 ग्राम मैंने प्रीमिक्स का यूज़ किया है, जिसके अंदर कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, शुगर सब कुछ इंक्लूड है। इसका जो मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी और मैं आपको प्रीमिक्स की सेपरेट वीडियो बना दूँगी, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, रेडी टू यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम बटर लिया हुआ है, 100 ग्राम मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया हुआ है, 50 ग्राम मैंने चोको चिप्स लिया हुआ है। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट, 50 ग्राम अमूल बटर को हम डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लेंगे, या आप माइक्रोवेव में एक मिनट माइक्रोवेव कर लें। डबल बॉइलिंग मेथड मेरे प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। हाफ कप दही ऐड कर देंगे जो हमने लिया था, और हाफ कप मिल्क ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लें, या नहीं तो आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक मिनट लगा था, मैंने अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लिया था। जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट थे अच्छी तरह से सब मेरे यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। अभी हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को एक छलनी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम प्रीमिक्स ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून कोको पाउडर भी ऐड किया है, बिकॉज ऑफ इसका कलर डार्क करने के लिए, जो हमारा ब्राउनी बने वो डार्क कलर का, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कोको पाउडर भी ऐड किया है। जो हमारे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट थे और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट थे, सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद, ये थोड़ा थिक लग रहा है बैटर, तो इसमें जो हमारा लेफ्ट ओवर मिल्क है वो हम ऐड कर देंगे। और ब्राउनी का जो बैटर होता है वो केक के बैटर से थिक होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चॉकलेट एसेंस यूज़ किया है। ये मेरा होममेड प्रीमिक्स था, मैंने खुद बनाया था। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूँगी, जिसमें आपको मैं वैनिला प्रीमिक्स और चॉकलेट प्रीमिक्स दोनों का तरीका बताऊंगी, जिसे हम 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो आपके लिए रेडी टू यूज़ हो जाएगा। बहुत इजी रेसिपी है। थिकनेस आप देख सकते हैं ब्राउनी की। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है ब्राउनी को बेक करने के लिए, जिसको चारों तरफ से मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। एक बटर पेपर लगा दिया है, इसके अंदर जो हमारा बैटर है वो हम पोर कर देंगे। अच्छी तरह से पोर करने के बाद इसके अंदर हम अपना चॉकलेट चिप्स, जो हमने 50 ग्राम लिया था, वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा स्पून की मदद से चला देंगे ताकि वो नीचे बैठ जाए। यहाँ पे मैंने 2 चॉकलेट का वाइट लिया हुआ है, उसे भी हम अंदर इंसर्ट कर देंगे और बैटर से इसे ढक देंगे। अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है, 3 मिनट पहले ही से मैंने यहाँ पर प्री हीट पर रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर। उसके अंदर हम अपना मोल्ड को रख देंगे और 50 से 55 मिनट तक हम अच्छी तरह से इसे बेक कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। आफ्टर 55 मिनट मैंने यहाँ पे चेक किया था एक टूथपिक की मदद से, आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। अगर टूथपिक में हमारा बैटर नहीं लग कर आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है, और अगर हमारा बैटर लग के आए तो हम 5 मिनट और इसे मीडियम फ्लेम पर लीड लगा कर बेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लिया है। इसे मैं केक के अंदर इंसर्ट करूँगी, आप देख लें, आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। ब्राउनी के अंदर सिरप ऐड करने के लिए यहाँ पर हम एक गोल चीज़ लेंगे। यहाँ पर मैंने नाइफ़ लिया है, नाइफ़ के पीछे वाले हिस्से से हम यहाँ पर दायरा बना देंगे, छेद कर देंगे। पूरा अंदर से आर पार नहीं करना है आपको, हाफ़ हाफ़ करना है। जो सिरप हमने बनाया था वो अच्छी तरह से सब
छेद के अंदर हम पोर कर देंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं एक स्पून की मदद से। हमारा लेफ्ट ओवर सिरप बचा है वो मैंने पूरा अच्छी तरह से ऊपर भी पोर कर दिया हुआ है, और उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा सिल्वर पर्ल स्प्रिंकल कर दिया है इसके ऊपर। हम यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया हुआ और एक ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से पूरे ब्राउनी के ऊपर मैंने यहाँ पे ग्रेट कर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से मैंने वाइट पर्ल स्प्रिंकल कर दिया है। आप यहाँ पे ब्राउनी को मैं कट कर रही हूँ, आप देख लें लावा केक की स्पेशलिटी होती है उसके अंदर जो चॉकलेट होता है वो पूरा चॉकलेट से ही मेल्टेड होता है। जो हमने चॉकलेट सिरप ऐड किया था वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो गया है और फ्लो हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कट आउट करके दिखाया है आपको, ये पूरा चॉकलेट से ऑब्जर्व था, खाने में एकदम ज़्यादा स्पंजी और माउथ वाटरिंग था, एकदम मुंह में डालते ही गल जा रहा था। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट है, और जो हमारा चॉकलेट हमने इसमें ऐड किया था वो एकदम अच्छी तरह से फ्लो हो रहा था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो की जो पूरी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।